हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉनीज किचन। आज हम बनाएंगे कश्मीरी दम आलू। तो चलिए बता देते, कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमने यहाँ पे आलू लिया है। आलू को हमने छील के टुकड़ों में काट लिया है, बड़े टुकड़ों में हमने काटा है। उसके साथ हमें चाहिए खड़े मसाले। खड़े मसाले में तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, यहाँ पे है किशमिश, काजू, काजू को हमने चॉप कर लिया है, नमक, उसके साथ तेल, टमाटर, अनियन चॉप किया हुआ, यहाँ पे है काजू और चार मगज का पेस्ट। उसके साथ हमें चाहिए जिंजर पेस्ट, दही, हल्दी पाउडर, धनिया पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, गार्लिक पेस्ट, फ्रेश क्रीम, यहाँ पे है टमेटो केचप, घी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और हरा मटर। तो आइए शुरू करते हैं। तेल गरम हो चुका है। अब हम आलू के टुकड़े को एक एक करके इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। आलू में एक गोल्डन कलर आ चुका है, ये फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। तो कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है और उसके साथ हम डालेंगे घी और दोनों को गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे। तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सूखी लाल मिर्च और इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और उसके साथ थोड़ा सा नमक और इसको फ्राई कर। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब डालेंगे धनिया पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे। धनिया पाउडर को हमने भून लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे गार्लिक पेस्ट और गार्लिक पेस्ट को भी हमें प्याज के साथ थोड़ा फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जिंजर पेस्ट और जिंजर को भी थोड़ा देर तक हमें इसमें पकाना है। अदरक भून चुका है, अब इसमें डालना है लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और इसे भी हमें भून लेना है थोड़ा देर। अब इसमें हम डाल देंगे चॉप किया हुआ टमाटर और उसके साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा और नमक और हमें इसे भूनना है। मसाला भून चुका है, अब इसमें डालना है काजू और चार मगज का पेस्ट और इसे मसाले में मिक्स कर लेना है। मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे पहले से फ्राई किए हुए रखा आलू और आलू को भी मसाले में अच्छे से कोट कर देना है। इसको मिक्स कर लेना है मसाले में। हमने आलू में पानी डाला है 1 कप ताकि आलू इसमें पक जाए। अब हम इसे कवर करके छोड़ देंगे जब तक आलू नरम ना हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे हरा मटर और इसे मिक्स कर लेंगे और फिर से इसको कवर करके छोड़ना है जब तक कि आलू नरम ना हो जाए। आलू नरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे टमेटो केचप और इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ काजू एंड किशमिश और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद डालना है दही। दही को हमने पहले से ही फेंट लिया था और उसके साथ गरम मसाला और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम मिलाएंगे फ्रेश क्रीम और गैस को ऑफ कर देंगे और ऊपर से डालेंगे इसमें धनिया पत्ता। हमारी कश्मीरी दम आलू रेडी है। ऊपर से हमने थोड़ा सा और धनिया पत्ता और चॉप किया हुआ काजू से गार्निश किया है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।